अभी मैं महाराजगंज जिला जो है कुशीनगर जिला जिसका 50,000 की आबादी है जो यही संपर्क मार्ग बिहार होकर है और ये जो आपको ये जो दिख रहा है ये रोहुआ नाला है और ये करीब बिहार में पड़ता है और ये जो आपको सामने जो दिख रहा है कोई नदी नहीं है, कोई नाला नहीं है, कोई तालाब नहीं है, कोई समुद्र नहीं है। ये रास्ता पर जो पानी लगा हुआ है जल जमाव, ये रास्ता है। यहाँ पर ग्रामीण भी लोग आ रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। पानी इसमें ज़्यादा नहीं है, करीब इतना ही है। यहाँ पर समाजसेवी लोग जो हैं वो जुगाड़ के माध्यम से रास्ता बनाते हैं, हर वर्ष रास्ता बनाते हैं, मगर पानी आता है और वो रास्ता जो है उड़ा कर लेकर चला जाता है। मगर यहाँ पर आज तक अस्थाई पक्का पुल नहीं बना है, क्योंकि लोग बोलते हैं वन विभाग में ज़मीन पड़ता है इसलिए नहीं बनवाया जा सकता है। मैं जो वाल्मीकि नगर के सांसद और विधायक जितने लोग हैं उनसे निवेदन करूँगा, क्योंकि यहाँ पर आप पक्का पुल एक बनवा देंगे तो यहाँ का 50,000 की आबादी जो है नदी उस पार, उन लोगों का आगमन सिर्फ एकमात्र बिहार होकर यही रास्ता है। यहाँ पर कुछ लोग भी आ रहे हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्या नाम है भैया? गिरजेश यादव। अच्छा ये बताइए, आप नदी उस पार से आ रहे हैं जी, आते वक्त कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है? बहुत दिक्कत। क्या क्या परेशानी होती है? अरे अब लोग आ रहे हैं तो मानी कीचड़ काचड़ है, हाँ वो है। और अच्छा ये जो पानी लगता है यहाँ पर रोहुआ नाला पर कितना दिन से लगता है? अरे लमसम हो गया 2-3 महीना। 2-3 महीना से? हाँ, हर वर्ष लगता है कि आज इसी समय लगा? हर वर्ष लगता है। यहाँ पर आप लोग कभी पक्का पुल के लिए मांग किए हैं? मांग तो हर वक्त हमेशा होता रहता है। अच्छा चलिए ठीक है, और भी लोग आ रहे हैं उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भैया एक नाव पर बैठे हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कितना दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कहाँ नाम भैया आपका? मोहन। कहाँ के रहने वाले हैं? नौरंगिया। नौरंगिया के? अच्छा ये बताइए जो पानी लगता है यहाँ पर कब कब लगता है पानी? ये तो पानी लगता है सार सावन भादो में। अच्छा तो ये बताइए आप नदी उस पार करीब 50,000 दो जिला के लोग रहते हैं तो दिक्कत तो होता होगा आने में? तो बहुत दिक्कत होता है। तो यहाँ पर पक्का पुल बन जाए तो ठीक रहेगा कि नहीं? बहुत बढ़िया होगा। अच्छा कुछ लोग और भी आ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये भैया है, एक मिनट भैया, क्या नाम है आपका? राजेश। अच्छा बताइए आप पानी में ही हिला दिए हैं गाड़ी? हाँ। क्यों हिला है? पानी समा जाएगा तो? समा जाएगा तो देखा जाए। थोड़ा धीरा कर दीजिए, पानी नहीं ना समाया गाड़ी में? नहीं। नाव पर कितना रुपया लगता है? के जन हम महिला नहीं, 20 रुपया साइकिल। अच्छा रिस्क लेकर आप हिला दिए। देखिए भैया गाड़ी जो इनका देख रहे हैं ये रिस्क लेकर इतना पानी जो है ठेंगना पर उसमें हिला दिए हैं और पूरा सीट भर पानी यहाँ तक हुआ है, करीब देख सकते हैं इतना पानी हुआ है उसमें हिला दिए हैं। और नाव वाले से भी जानने का प्रयास करेंगे। नाव चलाते हैं आप? हाँ। कौन रुपया लेते हैं यहाँ से जो लोग आते हैं? 20 रुपया। 20 रुपया एक आदमी के? हाँ एक रुपया। हाँ भैया एक आदमी के मोटरसाइकिल 20 रुपया। 20 रुपया क्यों लेते हैं? कितना दूरी है बताइए, वो तो बाइक हिला दिए हैं। अरे भाई बाइक है और अरे भाई ऐसे ही ये लोग परेशान हैं, आप लोग भी लूटने का प्रयास कर रहे हैं। और आप बताएं आप लोग को इंजाम लोग लगा रहे हैं कि ये बलुआ है, लोग काट के हाथ से जो नाव वाले चलाते हैं इंजाम लगाया जा रहा है कि काट के गड्ढा कर देते हैं इसलिए हम लोग नहीं जा रहे। आप क्या कहेंगे? हम नहीं करना, काट कूद ना करेंगे, नहीं करेंगे। कहाँ से आ रहे भैया? सोगी बरवा। क्या नाम है? जय विन गुप्ता। अच्छा ये बताइए यहाँ पे आ रहे हैं कितना दिक्कत का सामना? बहुत दिक्कत है। दिक्कत आप लोग अस्थाई पक्का पुल के लिए मांग नहीं करते हैं? मांग करते हैं तो कोई अधिकारी सुनता नहीं है, ना कोई विधायक सुनता है। कितने सालों से दिक्कत है? हमारा लगभग पूरा जब से यहाँ सोगी बरवा बसा है तब से दिक्कत है। अच्छा ये एरिया बिहार में पड़ता है कि यूपी में? यूपी में पड़ता है, महाराजगंज जिला और कुशीनगर जिला। तो आप लोग अस्थाई पक्का पुल के लिए मांग कर रहे हैं मगर बन नहीं रहा? नहीं बन रहा है। रमेश होता है। अच्छा ये बताइए आप लोगों को जो तबीयत वबीयत खराब होता है रात में तो कैसे आप लोग आते जाते हैं? अरे बहुत बुरा हालत होता है हम लोगों को, कैसे जाते हैं हम ही लोग पूछते हैं कैसे जाते हैं। वोट क्यों देते हैं आप लोग नेता? हमारे वहाँ आधार पर देते हैं। हमारे वहाँ के विधायक प्रेम सागर पटेल आज तक जब से जीता है तब से आज तक सोगी बरवा कभी नहीं आया है, और उसके पहले एक बार आया भूजा बांट कर चला गया, उसके बाद कभी नहीं आया। तो वोट क्यों देते हैं आप लोग, वोट का बहिष्कार क्यों नहीं करते हैं? तो एक आदमी के चलते थोड़ी होगा बहिष्कार, सब आदमी करेंगे तो बहिष्कार होगा। और भी लोग आ रहे हैं, एक भैया स्लेटर झाड़ रहे हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देख सकते हैं ये देखिए कितना वो भैया हेल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं हेल रहे हैं, पानी उतना ही पानी है मगर यहाँ पर नाव चल रहा है और नाव वाले करीब 10 रुपया ले रहे हैं। तो मैं नाव वालों से भी निवेदन करूँगा कि आप लोग उतना पैसा मत लीजिए, क्योंकि वैसे ही वो लोग परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानी में जी रहे हैं। और प्लीज़ आप लोग कम से 5 रुपया लीजिए एक आदमी के, यही आपसे रिक्वेस्ट है और अनुरोध है। नाव वाले भैया थोड़ा सा आप इधर आ जाइए।
नहीं भैया कोई और नहीं आ रहा है तो आपसे ही पूछेंगे। आप लोग आप बताइए, आज से आप लोग 5 रुपया लेंगे कि नहीं, पहले बताइए भैया। हाँ ये देखिए, क्या नाम है भैया आपका? सिपाही। चल देखिए सिपाही जी, हमसे मुलाकात हो गया है, कौन रुपया ले रहे हैं आप? 5 रुपया। 5 रुपया तो आपसे निवेदन है, वो भैया बोल रहे थे कि 10 रुपया लेते हैं। ऐसे ही ये लोग दो जिला के लोग परेशान है और रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज आप लोग 5 रुपया लीजिए, कम से थोड़ा सा दूरी है। देखिए कई लोग पैदल हेल जा रहे हैं, तो 5 रुपया लीजिए। पैसा हो खेला ना हो खेला उधर हेला देंगे, उधर हेला। अच्छा आप लोग के ऊपर इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि जो बीच में गड्ढा किया गया आप लोग के द्वारा किया गया है, इस पर क्या कहेंगे आप? हम ट्रैक्टर वाला है, ट्रैक्टर वाला खोनता है। अच्छा देखिए, जो लोग इल्जाम लगा रहे हैं लोगों पर, तो उनसे निवेदन है कि देखिए ये लोग नहीं खोनते हैं वहाँ पर, ट्रैक्टर वाले आते हैं उनके द्वारा वो खोना जाता है। गड्ढा अगर गाड़ी फंस जाती है तो उसी में खोना जाता है, यही बात? हाँ, 2-3 गो टोचन होता है। अच्छा कौन बजे तक नाव चलाते हैं आप? 6 बजे 5 बजे तक ले, 7 बजे। उसके बाद से तो लोग नहीं हेल पाते होंगे? नहीं, 7-8 बजे तक ले। ये देखिए बाइक किस तरह से उतर रहा है, हम वो भी दिखाने का प्रयास करेंगे आप लोगों को। ये देख सकते हैं, कहाँ से आ रहे हैं भैया? हम सोगी बरा से आ रहे हैं। सोगी बरा से आ रहे हैं, क्या करने गए थे आप? वहीं के निवासी हैं? वहीं के निवासी हैं। अच्छा कितने सालों से दिक्कत है? ये तो लमसम एकदम शुरू से दिक्कत है, लमसम 20-25-30 साल से सारी दिक्कत है। अच्छा अच्छा, कहाँ नाम है बाबू तुम्हारा? सुनो कहाँ नाम है? साहब। क्या करते हो? कुछ भी नहीं। कहाँ पढ़ते हो तुम? गंगा कले मध्य विद्यालय। तो पढ़ते हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? आए खाना पहुँचाने। खाना पहुँचाए किसको? अच्छा ये देखिए किस तरह से बाइक उतारा जा रहा है, इसमें कई बाइक का जो है कि कई चीज़ टूट जा रहा है, इस उतारते समय भी कई दिक्कत का सामना करना पड़ता है इन लोगों को। और हम निवेदन करेंगे, मैं और पीछे होकर आप लोग बता दूं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोला था। कहाँ से आ रहे हैं? बसहीं से। पीछे चल जाइए, और पीछे चल जाइए। बसहीं से? बसहीं घर है आपका? अच्छा ये बताइए, जो पानी लगा इस पर क्या कहेंगे आप? अब का कहल जाए, पानी लागल बा, हेलत नाए से चाहे पैद हो। देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर हर धर्म के लोग निवास करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग इधर निवास करते हैं, और करीब दोनों जिला मिलाकर 50,000 की आबादी है नदी इस पार। और ये जो रेंज है बोला जाता है कि बिहार में पड़ता है, तो मैं बिहार के सांसद और विधायक और यहाँ का जो मुखिया साहब हैं उनसे भी निवेदन करूँगा, प्लीज आप इन लोगों का दर्द समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों से निवेदन है, यानी माननीय 8 बार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी निवेदन है, पथ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी से भी निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ बाबा से भी निवेदन है, प्लीज आप लोग इन सभी लोगों का पीड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कितना कष्ट होकर आधी रात को जब किसी का डिलीवरी होता है या किसी का सीरियस तबीयत खराब होता है, किस स्थिति में लोग आते होंगे आप लोग समझ सकते हैं ये पीड़ा। तो निवेदन है प्लीज़ यहाँ पर अस्थाई पक्का पुल बनवा दिया जाए, जिस रास्ते से वो लोग आ सकें, पानी का सामना न करना पड़े, तो निवेदन है। और अंत में आप लोग इस जो रोहुआ नाला इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा, बाकी हमारे बारे में क्या सोचते हैं भी कमेंट करके बताइएगा। जय हिंद।